अच्छा, गेस्ट पेपर का कह रहे हैं जी, पॉलिटिकल साइंस का. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज आस्क्ड बट आई नेवर प्रिपेयर्ड अ गेस्ट पेपर एज सच. गेस्ट पेपर तो मैंने नहीं बनाया सच, लेकिन आई कैन रिकमेंड यू. मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू हेयर मी? यस यस यस, टुडे इज लास्ट क्लास जी, आज की लास्ट क्लास है. अच्छा, आई विल गिव यू सम टॉपिक्स जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं. ऑब्वियसली ऐसा गेस्ट पेपर शायद ना हो, और लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी मैं ज़रूर आपको दूंगा डिस्कशन. इनफैक्ट हमने जो पढ़े हैं टॉपिक्स, दे आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन्हीं में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. यस प्लीज मरियम, पूछिए, रिक्वेस्ट कीजिए. जी मैं हमारा भी डिस्कस करने लगा हूँ, अभी उसको डिस्कस करते हैं. अच्छा, नो आइडिया जी, पीएमएस का रिजल्ट आ जाना है. आई एम सॉरी, एक्चुअली वी वर बिजी समवेयर, मुझे नहीं आइडिया. किसी एक क्वेश्चन की आउटलाइन बना दूं, मरिया मैं बना दूंगा, वाई नॉट. बट एक क्वेश्चन की आउटलाइन बनाने से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. एक आप लोगों को प्लीज बता भी दूं, पास पेपर्स की एक क्लास होनी है. पास पेपर्स की एक क्लास होनी है आपके साथ, आई गेस आप लोग अलाउड होंगे उसमें आने के लिए, और उसमें पास जो पेपर्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, ताकि मैं पास पेपर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि उस पर अलग होनी है. सॉरी, वो आपको थोड़ा सा पास पेपर्स के और से ज्यादा हेल्प भी रहेगी, वो आपको ज्यादा जिस तरह करंट अफेयर्स की हुई थी तो उसी तरीके से. सायरा, डेट आइडिया नहीं है वैसे मुझे, प्रोबेबली अगले वीक में होनी चाहिए, ज्यादा लेट होगी नहीं. नेक्स्ट कब है? नेक्स्ट वीक में होगी, मुझे आइडिया है. अच्छा, चैट बड़ी कीजिए, चैट बड़ी कीजिए. अच्छा, ये अरफा का सवाल, अरफा मैं इसको कर दूं प्लीज. डिड वी कवर द टॉपिक विच पोलिटिकल सिस्टम इज गुड फॉर पाकिस्तान, प्रेजिडेंशियल या पार्लियामेंट्री? अच्छा, एक तो प्लीज बताइएगा मुझे, प्रेजिडेंशियल या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, आर दीज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स और स्टेट्स? जी अमशा, ऐसा ही सेम गवर्नमेंट, इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टाइप है. पाकिस्तान के लिए कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है, पार्लियामेंट्री या प्रेजिडेंशियल? अच्छा, आपने अगर इस तरह का सवाल आता है, वैसे आया वो मेरे ख्याल में नहीं है, पाकिस्तान अफेयर्स में आया था, तो आप बेसिकली लिखेंगे कि आपकी चॉइस है कौन से लिखते हैं आप. मैं प्राइमरली, आपको आइडिया होगा, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसकी मुझे याद है जब आपने पार्लियामेंट्री प्रेजेंशियल किया था तो मैंने कुछ दो तीन पॉइंट बताए थे कि किस लिए पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री बेहतर होता है. ऑल दो मोस्टली आर्टिकल्स अगर आप रीड करेंगे तो उसके अंदर प्रेजिडेंशियल सिस्टम को सपोर्ट किया होगा. पार्लियामेंट्री सिस्टम के हक में बहुत कम आर्टिकल्स आपने देखे होंगे. उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है स्मॉलर प्रोविंसेस को, इट इज सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोविंसेस, इट इज सूटेबल फॉर डेमोक्रेटिक ग्रोथ इन पाकिस्तान. व्हाइल प्रेजिडेंशियल सिस्टम सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट, इट सपोर्ट्स द डोमिनेंट पंजाब प्रोविंस, तो इसलिए आपको मोस्टली जो आर्टिकल नजर आएंगे वो प्रेजिडेंशियल सिस्टम के सपोर्ट नजर आएंगे, क्योंकि स्मॉलर प्रोविंसेस की वॉइस आपको मीडिया में नजर नहीं आती, और प्रो डेमोक्रेसी वॉइसेस भी आपको बहुत कम नजर आती हैं मीडिया के अंदर पब्लिश हुई हुई, तो आपको मोस्टली आर्टिकल जो मिलेंगे वो प्रेजिडेंशियल सिस्टम के हवाले से ही मिलेंगे. बिल्कुल रिस्की नहीं है जुल्फिकार, पोलिटिकल साइंस में इट्स नॉट अ टची डिबेट. पोलिटिकल साइंस के जो टीचर चेक करते हैं एग्जाम, उनके लिए ये कंट्रोवर्शियल डिबेट नहीं है. As long as you write with logic, with merit, with argument, so it is not a risky, it's not a tricky debate in the study of political science. वो political science के teachers के लिए risky debate नहीं है. आम society में है, यहाँ पे है नहीं. अच्छा, अब यहाँ पे एक point और भी है. In Pakistan affairs, yes it is. In वहाँ पे हो सकती है, possibility होती है. अच्छा, आप करेंगे कैसे? आप parliamentary system को define करेंगे, presidential system को define करेंगे. अगर क्वेश्चन चूज करना पड़े बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेजिडेंशियल सिस्टम, दोनों में से कौन सा सूटेबल है, आप चूज करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेजिडेंशियल सिस्टम क्या है.
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके फायदे क्या होते हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। अच्छा, जब आप उसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स लिखेंगे, फिर उन एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स को लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ, फिर आप लिखेंगे प्रेजिडेंशियल सिस्टम वो होता क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसका फायदा क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उनको लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ। मिसाल छोटी सी देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज ये होता है दैट जब आपकी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर इकट्ठी होती है, व्हेन दे आर टुगेदर, फ्यूजन ऑफ पावर होता है पार्लियामेंट्री में, बिकॉज एग्जेक्टिव मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेचर में से होते हैं, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग रिलेटिवली आसान हो जाती है, लॉ मेकिंग आसान हो जाती है। जब डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग आसान हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अगर इमरजेंसी डिसीजन करने पड़े तो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर में डेडलॉक के चांसेस नहीं होते। जो एग्जेक्टिव चाहती है वही लेजिस्लेचर अप्रूव कर देती है, तो डिसीजंस स्विफ्ट होते हैं इमरजेंसी केसेस में डिसीजंस। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इमरजेंसीज बहुत आती हैं, पॉलिटिकल इमरजेंसीज, इकोनॉमिक इमरजेंसीज, सिक्योरिटी इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं। तो हमारे लिए इसलिए भी पार्लियामेंट सिस्टम सूटेबल है, बिकॉज हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग के लिए जब सडन डिसीजन करने पड़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ पार्लियामेंट की मेजोरिटी जो है पाकिस्तान के अंदर, वही उसी से प्राइम मिनिस्टर बनता है। जिसकी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी होगी पार्टी की, उसी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट भी मोस्टली उसी की होगी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर एक लॉ पास करना चाह रहे हैं तो उनकी ऑलरेडी नेशनल असेंबली में मेजोरिटी है, वो बजट प्रेजेंट करेंगे, वो लॉ प्रेजेंट करेंगे और यहां से आसानी से पास हो जाएगा, उसकी मुखालिफत के चांस कम होते हैं, या मुखालिफत हो ही नहीं सकती, अगर हो भी फिर भी पास हो जाता है, बिकॉज मेजोरिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव के साथ होती है। तो इसलिए हमारे जैसे मुल्कों में अर्जेंट डिसीजन मेकिंग जब करनी पड़ती है तो दैट रियली इज हेल्पफुल इन दैट। अच्छा, ज़ारा का सवाल, अगर प्रेसिडेंट के पास पावर हो तो ज्यादा आसान नहीं है डिसीजन मेकिंग, एक बंदे के पास पावर हो। ज़ारा, व्हाट इफ दैट वन पर्सन यूजेस पावर फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, फिर क्या होगा? ज़ारा, एक बंदे को आप ज्यादा पावर दे दें, वो डिसीजन तो आसानी करेगा बट वो बंदा अपनी जात के लिए इस्तेमाल करे, फिर क्या करेंगे? पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, दैट्स द डायलेमा। इसलिए आप पेंशन सिस्टम में आप पावर दे तो सकते हैं एक बंदे को, डिसीजन ज्यादा स्विफ्ट हो जाएगा, बट दैट विल लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, दैट वुड लीड टू वन मैन डिक्टेटरशिप, एंड दैट इज लाइकली टू करप्ट हिम। वाई आई सपोर्ट ट्रंप जी, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के लिए अमेरिकन डायनेमिक्स ऐसे हैं, वहां प्रेजिडेंशियल सिस्टम सूट करता है, वहां पे अमेरिकन सिस्टम के अंदर प्रेजिडेंशियल, हमारा कल्चर डिफरेंट है। जी एग्जैक्टली, जी मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हूं। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो आप पॉइंट लिखते जाएंगे और उसको पाकिस्तान से रिलेट करते जाएंगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सो ये बेसिक पॉइंट है जी। अच्छा, व्हाट आई वुड लाइक इज, मैं डिफरेंट, आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ें करा लूँ, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जो सेक्शन वन है पेपर वन का, इसके अंदर जो डिफरेंट थिंकर्स हैं, वेस्टर्न और मुस्लिम, आप लोग प्रेजेंशियल के लिए करना चाह रहे हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, प्लीज, मैं तो सिर्फ अपना जाती राय बता रहा हूं। अगर आप प्रेजेंशियल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसके पॉइंट्स आपके पास बने हुए हैं, तो आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं तो आपको जस्ट अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप पार्लियामेंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेजेंशियल को सपोर्ट कर रहे हैं। देर आर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री और देर आर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ प्रेजिडेंशियल, दोनों के हक में पॉइंट्स हैं। आप फेल तब होंगे जब आप अपने पॉइंट्स के हक में इमोशनल तकरीर करेंगे, लॉजिक नहीं देंगे, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आप पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर से आप लॉजिक कंस्ट्रक्ट करें, आप एग्जाम्पल दें पाकिस्तान से,
और फिर आप उसको लेकर चलेंगे। और मैंने जैसा आपको कहा, आप पार्लियामेंट्री के मेरिट्स, प्रेजिडेंशियल के मेरिट्स, पार्लियामेंट्री के डीमेरिट्स, प्रेजिडेंशियल के डीमेरिट्स, और फिर कंक्लूसिवली आर्गूमेंट करें कि क्योंकि प्रेजिडेंशियल के फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि डीमेरिट्स कम हैं, मेरिट्स ज्यादा हैं, तो आप उसको लिख लें, जैसे आपको बेहतर लगता है आप लिखें, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे करिएगा आप बना के। सिर्फ ये नहीं बताना कि प्रेजिडेंशियल सूटेबल है, ये भी बताना है कि पार्लियामेंट्री क्यों सूटेबल नहीं है। या अगर आप उल्टा जाना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेहतर है, बल्कि ये भी बताना है कि प्रेजिडेंशियल क्यों सूटेबल नहीं है। जो एक को सपोर्ट करना है तो दूसरे को निगेट भी करना है, आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा प्लीज। रिलेट पार्लियामेंट्री सिस्टम टू मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस, इट इज नॉट रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस से लिंक नहीं है, उसका लिंक होता है फेडरेशन से। हाउ मच ग्रामर इज इंपॉर्टेंट इन ऑप्शनल एग्जाम्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑप्शनल पेपर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट जो पॉलिटिकल साइंस है, द ग्रामर डज नॉट मैटर मच एज लॉन्ग एज द ग्रामर, द मिस यूज ऑफ ग्रामर डज नॉट गिव अ रॉन्ग मीनिंग। आपके सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए, इतनी ग्रामर काफी है। सो माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चल जाती हैं यहां पे। मैं अपने पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं जी, मैं आपको ताकि सेक्शन वाइज लेकर चलूं आपके सारे सवालों के ऊपर, फिर बाद में जाऊंगा। आई वुड गिव यू एट लीस्ट 45 मिनट्स इन द लास्ट, आपके सारे सवालों के जवाब में दूंगा, बट गिव मी दस 30-40 मिनट्स ऑन मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, उसको जरा गौर कीजिएगा। सेक्शन वन जो पेपर का है, जिसमें वेस्टर्न और मुस्लिम थिंकर्स हैं, उसमें हमने कुछ वेस्टर्न थिंकर्स किए हैं, मुस्लिम थिंकर्स भी कुछ किए हैं। वेस्टर्न थिंकर्स में हमने किया है प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मुझे बताइएगा जो हमने किए हैं। फिर उसके बाद हमने किया है उसके बाद बेंथम, कार्ल मार्क्स, ऐसा ही है। अच्छा, यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम, आपको ये सारे करने हैं। फॉर अ सेफर साइड यू कैन ऐड टू मोर, यू कैन ऐड मोंटेस्क एंड यू कैन ऐड हेगल। जुल्फिकार, आप लोग कैसे लिखा दूं, आप लोग पढ़े लिखे यार, मुझे ना थकाओ प्लीज। ये पढ़ाए हुए हैं मैंने सारे, बोर्ड भी लिखे हुए हैं सारे के सारे। प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, कार्ल मार्क्स। अच्छा, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बेंथम को छोड़ के बाकी सारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बेंथम इज नॉट अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ऑल अदर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड कैटेगरी में आप बेंथम को ऐड कर सकते हैं, मोंटेस्क को ऐड कर सकते हैं, और साथ में आपने हेगल। इनके अलावा करने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन उनकी बेसिक आइडिया देख लीजिए। जैसे आप लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो थोड़ा सा जेएस मिल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी थोड़ा सा देख लें। यू कैन सी द बिट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल का। बट किताब के नाम देख लें, बाकियों के किताबों के नाम आपको आ जाना चाहिए, बाकी उस जरूरत नहीं है आपको करने की। प्लेटो, जैसे फुकुयामा की किताब है वो देख लीजिएगा, ये एक दो किताबें देख लीजिएगा उनकी, बाकी और रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, यहां पे याद रखिएगा जो मोंटेस्क है उसकी थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर्स की है। मोंटेस्क फ्रेंच राइटर जो हैं, उनकी जो थ्योरी है वो है अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स। और जो मोंटेस्क की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ही वाज अ फ्रेंच राइटर, बट इनकी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है That is linked with, उसको समझने के लिए आपको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को देखना है। अच्छा, यस ट्रू। तो यूएस सिस्टम में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स किया था उसका यूएस के अंदर, ये टॉपिक पढ़ा था हमने अलग से करके। ओके, नहीं किया था। अच्छा,
मैंने आपको, मैं छोटा सा बता दूं, मैंने आपको पावर्स पढ़ाई हैं, डिड आई टीच यू द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कांग्रेस? ओके, वो जो पावर्स पढ़ाई हैं उसी में से डिराइव करना होता है. लेट मी एक्सप्लेन ओवर हेयर, मैं शॉर्ट सा आपको बता देता हूं, बट जो पावर्स पढ़ाई हैं उन्हीं पावर्स को हमने करना है. तीन इंस्टीट्यूशंस हैं मेनली, कांग्रेस, प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और तीसरी है जुडिशरी. मॉन्टेस का आइडिया बता रहा हूं, मेन आइडिया सुनिएगा. मॉन्टेस्क वॉज एन 18th century पोलिटिकल थिंकर फ्रांस से. अगर आपको थोड़ा सा रूसो याद हो, रूसो के जमाने में किंग लुई जो थे उनकी डायनेस्टी रूल कर रही थी. मुझे याद है मैंने रूसो जब पढ़ा था, बड़ी पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल इफ यू कुड रिकॉल, रूसो की थ्योरी का मेन मकसद यह था दैट किंग्स वर टू ऑटोक्रेटिक एंड दे वर टू ब्रूटल एंड दे यूज टू डिक्टेट द पीपल. मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि जो जो रूलर्स थे, द मोनार्क, दे हैड मेड एन अलायंस विद द लैंडलॉर्ड्स एंड दे यूज टू एक्सप्लॉइट द कॉमन पब्लिक. आपको ये बात याद है वैसे, रूसो वाली बात, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, द फार्मर्स? यस. अच्छा, एंड दे मिस यूज देयर पावर अगेंस्ट द वर्कर्स, अगेंस्ट द फार्मर्स. तो मॉन्टेस्क का कंक्लूजन यह था, अब ये पॉइंट उसको लिखेंगे आप और फिर बताएंगे. मॉन्टेस्क का आर्गुमेंट यह था कि जिसको हम कहते हैं इफ ऑल द पावर इज गिवन इन एनी वन इंस्टीट्यूशन, मोनार्क के पास सारी पावर दे दी जाए, किसी एक के पास पावर दे दी जाए, देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लीड्स टू अब्यूज ऑफ पावर. जब पावर सेंट्रलाइज कर दी जाए, पावर कंसंट्रेट कर दी जाए एक हाथ में, इट लीड्स टू अब्यूज ऑफ पावर. सो द सॉल्यूशन इज द पावर मस्ट बी डिवाइडेड इन द गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की जो पावर है, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इट शुड नेवर बी इन द हैंड ऑफ वन इंस्टीट्यूशन. Its concentration will result in abuse. Therefore, it must be a divided power is less likely to be abusive. So, उसने एक concept दिया जिसको हम कहते हैं separation of powers का concept. Yes, Amna, exactly. So, he was the one who said decentralization and distribution of power, horizontal and vertical. Amna, jiski taraf aap kar rahe hain decentralization, that is vertical distribution. But Montes talk about horizontal distribution. Distribution of the governmental authority among more or less equal institutions. Amna, ko ye point samajh aa raha hai jo maine kaha hai? Aur baakiyon ko bhi samajh aa rahi hai baat? Decentralization is vertical distribution. Like an separation of powers is horizontal distribution of power. Government ki authority kisi ek ke haath mein na ho, balki ek distributed ho. Jaise Sajid, humne padha tha government ke teen organs, executive, legislature, judiciary. Ek ka kaam hai law making, ek ka kaam hai law implementation, ek ka kaam hai law adjudication. So law से related ही है, but not everything about the law is in the hands of one person or one institution. It is distributed. So Montes की theory का fundamental argument यही है. Fundamental argument ये है that जो government authority है वो किसी एक institution के हाथ में ना हो, क्योंकि France का experience था, क्योंकि UK का experience था,
कि जब मोनार्क वॉज द लॉ मेकर, मोनार्क वॉज द लॉ एडजुडिकेटर, मोनार्क वॉज द लॉ इंप्लीमेंटर, जब सारी पावर उसके पास थी, दे मिस यूज दिस पावर. जी एग्जैक्टली ट्रू. सो पॉइंट इज उस अब्यूज से बचने के लिए अगर एक अथॉरिटी लॉ मेकिंग कोई और कर रहा हो, लॉ इंप्लीमेंटेशन कोई और कर रहा हो, लॉ एडजुडिकेशन कोई और कर रहा हो, देन अब्यूज ऑफ पावर से हम बच सकते हैं. दैट वॉज द बेसिक सेंस ऑफ मॉन्टेस्क. सो इसको हम कहते हैं मॉन्टेस्क का बेसिक काम था अथॉरिटी को, मोनार्की अथॉरिटी को चैलेंज करना और उसकी पावर को हिस्से बखरे कर लेना, डिवाइड कर लेना उसको. दैट वॉज द मेन एम. अमेरिका ने वही से तो फॉलो किया. अमेरिकन्स चूंकि खुद ब्रिटिश मोनार्की के अंडर रहे थे, अमेरिकन्स लिव्ड अंडर ब्रिटिश मोनार्की एंड दे न्यू हाउ मोनार्कीज हैव अब्यूज्ड द पावर. एंड बिकॉज अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन हिस्ट्री बच्चों ने पढ़ी है, द स्टेट्स फियर्ड दैट उनमें से कोई एक स्टेट डोमिनेट ना कर जाए उनको, कोई एक इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट ना कर ले, अब्यूसिव ना हो जाए, दे वॉन्टेड टू सेपरेट the powers among three governmental institutions: legislature, executive, judiciary. There must be three separate institutions combinedly working as a government. ye basically ek point tha ji. to congress president executive, judiciary federal judiciary baat ho rahi hai, federal level pe baat ho rahi hai. अमेरिका में अब ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है, ये मॉन्टेस्क का आइडिया है. बेसिक आइडिया ये था मॉन्टेस्क का, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बट दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इट. लेकिन सेपरेशन तो है, कांग्रेस ने अलग काम, प्रेसिडेंट ने अलग, जुडिशरी ने अलग, सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है. लेकिन प्रॉब्लम इज कि जो सेपरेशन के बाद फियर ये है कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अगर अपनी अलग से पावर्स रखती है, लेजिस्लेटिव पावर्स रखती है, व्हाट इफ इट मिसयूजेस इवन इट्स ओन पावर एंड मे बी यूजिंग इट्स ओन लेजिस्लेटिव पावर इट स्टार्ट एनक्रोचिंग इन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. व्हाट इफ जुडिशरी इन एडजुडिकेशन मिसयूजेस इट्स पावर एंड एनक्रोच अपॉन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस. व्हाट इफ instead of working in their separate domains, they start intervening in each other's affairs? What if they stretch their powers unilaterally? Phir kya karenge? Then the system of checks and balances has been introduced in the US system. So the purpose of checks and balances to ensure that separation works in an ideal form. चेक्स एंड बैलेंस का बेसिक मकसद है दैट लेजिस्लेटिव कांग्रेस स्टिक्स टू द लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट स्टिक्स टू एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड जुडिशरी स्टिक्स टू इट्स जुडिशियल फंक्शंस. सो चेक्स एंड बैलेंस इज मेंट टू लिमिट देयर पावर्स टू देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. दैट्स द बेसिक एम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. सो क्या चेक्स हैं? कांग्रेस क्या चेक रखती है प्रेसिडेंट के ऊपर? कांग्रेस कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट. इम्पीचमेंट कर सकती है कांग्रेस प्रेसिडेंट की. कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है. कांग्रेस कैसे इलेक्ट करती है? इन केस इलेक्टोरल कॉलेज कैन नॉट इलेक्ट द प्रेसिडेंट. अगर इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का, जो पिछले दिनों हुआ दो दिन पहले, अगर इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट ना कर सके, देन द कांग्रेस के अंदर से लोअर हाउस विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट, अपर हाउस विल इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट. तो वो इलेक्ट कर सकती है उसको. कांग्रेस कैन इंपीच प्रेसिडेंट को भी. इट कैन इंपीच कैबिनेट एज वेल. इट कैन इंपीच द कैबिनेट टू. इट कैन इंपीच एनी अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स. इंपीचमेंट प्रेसिडेंट की भी, वाइस प्रेसिडेंट की भी और कैबिनेट की भी कर सकते हैं. सिमिलरली कांग्रेस अप्रूव्स ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन. प्रेसिडेंट जितनी अपॉइंटमेंट करेगा तो कांग्रेस के अंदर से सेनेट कंफर्म करता है. मैं कांग्रेस कह रहा हूं, बट कांग्रेस के अंदर से सेनेट कंफर्म्स ऑल द अपॉइंटमेंट्स. सिमिलरली रेटिफिकेशंस.
ऑल द ट्रीटीज साइन बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी रेटिफाइड बाय सेनेट. सेनेट रेटिफाई भी करता है तमाम वो ट्रीटीज एग्रीमेंट्स जो कि प्रेजेंट करता है. अपॉइंटमेंट के लिए लफ्ज यूज करेंगे कंफर्म, और ट्रीटी के लिए लफ्ज यूज करेंगे रेटिफिकेशन. सो दिस इज हाउ कांग्रेस कीप्स अ चेक ऑन द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट क्या चेक रखता है कांग्रेस के ऊपर? व्हाट इज प्रेसिडेंट्स चेक ऑन कांग्रेस? वीटो पावर. वो वीटो कर सकता है प्रेसिडेंट कांग्रेस की. ही कैन गिव एन एड्रेस टू द कांग्रेस. वो कांग्रेस से खिताब कर सकता है हर उसके ऊपर. ही कैन समन द सेशन. यूजली प्रेजिडेंट समन नहीं करता, बट ही कैन कॉल देयर सेशन एज वेल इन एमरजेंसी टाइम्स. वो बना सकता है उनका एमरजेंसी सेशन भी बुला सकता है. सो ही हैज. और फिर कांग्रेस जो है प्रेजिडेंट जो है वो कांग्रेस की इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करता है. कांग्रेस की इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं, कैसे बनेंगी कंस्टिट्यूएंसी, हल्के उनके कैसे बनेंगे, ये काम करता है प्रेसिडेंट. उसके लिए एक टर्म मैंने बताई थी अगर आपको याद हो, उसको हम कहते हैं जेरीमेंडरिंग. जेरीमेंडरिंग इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिमार्केट इलेक्टोरल बाउंड्रीज, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज पोलिटिकल चॉइस. अब एक और भी है जी. प्रेसिडेंट ऑलवेज प्रपोजेस बजट. अमेरिका में बजट हमेशा प्रेसिडेंट ही प्रपोज करेगा. प्रपोज अप्रूवल देगी कांग्रेस, बट कांग्रेस कैन नॉट स्टार्ट इट्स ओन बजट. इट हैज टू अप्रूव और डिसअप्रूव द बजट प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट. वो भी पावर है इसकी. एंड प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इनिशिएट लॉ. वो लॉ इंट्रोड्यूस करवा सकता है कांग्रेस के अंदर. दिस इज ऑल्सो हिज पावर. थ्रू वाइस प्रेसिडेंट करता है या थ्रू हिज पार्टी मेंबर्स करता है, बट द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट. ये पावर है अमेरिका के प्रेसिडेंट की कांग्रेस के हवाले से. व्हाट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट्स चेक ऑन जुडिशरी? जुडिशरी पे क्या चेक है? यहां पर पॉइंट आएगा दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ फेडरल जुडिशरी. वो फेडरल जुडिशरी के जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है. और प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन. जुडिशरी अगर किसी को पनिश करे तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन टू समबडी. पिछले दिनों दिया था उसने एक एडवाइजर को, फ्लिन था शायद, जिसको उन्होंने पार्डन भी दिया. यस, फ्लिन को. सो प्रेजेंट वो बल्कि मेरे ख्याल में अब वो प्लान कर रहा है कि वो अपने आप को पार्डन कर रहा है. मेरे ख्याल में देर आर कंसर्न्स दैट ही माइट बी प्रोसिक्यूटेड आफ्टर हिज रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद जो प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको प्रोसिक्यूट किया सकता है. तो ही इज ट्राइंग टू गिव हिम प्रियम्प्टिव पार्डन. आई डोंट नो प्रियम्प्टिव पार्डन का कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता. अमेरिका में ये डिबेट चल रही है कि क्या लीगल है या नहीं है. तो वो पहले ही अपने आप को पार्डन करने का सोच रहा है. बट कल मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि उसने अगर अपने आप को पार्डन किया तो प्रॉबिलिटी ये है कि इसका मतलब है कि वो अपने आप को गिल्टी पहले ही कंसिडर कर रहा है. ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ गिल्टी एंड देयर फॉर ही इज ग्रांटिंग पार्डन. तो एक कंसर्न बन जाएगी. बट ही हैज द पावर टू अपॉइंट जजेस एंड ही हैज ऑल्सो पावर टू ग्रांट पार्डन. जुडिशरी का क्या चेक है प्रेसिडेंट के ऊपर? जुडिशरी के बहुत सारे चेक्स हैं. डॉक्टर ऑफिस ने रिक्वेस्ट किया अब प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है. ट्रंप तो खैर माफ करने वाले में से नहीं है हमेशा उसको, बट स्टिल लेट्स सी. जुडिशरी क्या कंट्रोल रखती है प्रेसिडेंट के ऊपर? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जुडिशरी की प्रेसिडेंट के ऊपर वो है जुडिशियल रिव्यू. एग्जेक्टिव ऑर्डर्स इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट कैन बी रिव्यूड बाय जुडिशरी. दे कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड if they clash with the constitution of the United States. अगर प्रेसिडेंट का डिसीजन, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट कर रहा हो, then judiciary can review that decision of the president.
एंड देन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस प्रिजाइड्स, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस प्रिजाइड्स द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट. जब सेनेट में, लोअर हाउस में नहीं अपर हाउस में, सेनेट में जब प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, उस प्रोसीडिंग को प्रिजाइड करता है प्रेसिडेंट, सॉरी द चीफ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट. सो उसकी इम्पीचमेंट के अंदर भी जुडिशरी का एक रोल मौजूद होता है. जुडिशरी का कांग्रेस पे क्या है? जुडिशरी का कांग्रेस पे सबसे बड़ा चेक है जुडिशियल रिव्यू. नहीं, सेनेट की इंपीचमेंट नहीं होती, इंपीचमेंट हमेशा पर्सन की होती है. कांग्रेस ने कोई लॉ पास किया, कांग्रेस ने कोई लॉ पास किया, देन दैट लॉ कैन बी रिव्यूड बाय जुडिशरी. जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट लॉ नल एंड वॉइड. वो नल एंड वॉइड कर सकती है, इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. जुडिशियल रिव्यू की पावर मैं पढ़ा चुका हूं आपको. देन जुडिशरी, जुडिशरी कैन नॉट ओनली रिव्यू द कांग्रेस, जुडिशरी और क्या करती है? It doesn't do anything else. अच्छा, यूएस के अंदर जो है जी, जो जुडिशरी है वो फेडरल जुडिशरी है. इवन इफ इट्स कन्फेडरेशन, इट इज नॉट अ कन्फेडरेशन. यूएस इज नॉट अ कन्फेडरेशन, इट्स अ फेडरेशन. तो वहां फेडरल जुडिशरी ही कहलाएगी. इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, हमेशा उसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. मेरे ख्याल में यही एक मेन पावर है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड फाइंडिंग इट्स कंपेटेबिलिटी आर इनकम्पेटेबिलिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कांग्रेस का जुडिशरी के ऊपर क्या चेक है? सबसे इंपॉर्टेंट है इंपीचमेंट. कांग्रेस कैन इंपीच द फेडरल जुडिशरी, वो फेडरल जुडिशरी को इंपीच कर सकते हैं, जजेस को इंपीच कर सकते हैं फेडरल कोर्ट के. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द कांग्रेस ओवर जजेस. एंड सेकेंडली द कंफर्मेशन. कांग्रेस कन्फर्म्स द अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल जुडिशरी. कांग्रेस के अंदर सेनेट होता है जो जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या फेडरल कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को कन्फर्म करते हैं. सो दिस इज अगेन, तो एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है जी जो अमेरिका के अंदर मौजूद है. अगर मॉन्टेस पे सवाल आएगा तो ये सिस्टम नहीं लिखेंगे डिटेल में, बिकॉज ये अमरीका का है. बट अगर अमरीका का है तो मॉन्टेस को लिखेंगे. मॉन्टेस पे सवाल है तो एज एन एग्जाम्पल अमेरिका जस्ट हल्का सा जगह करेंगे. असल चीज लिखेंगे मॉन्टेस के अंदर उसकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. चैट बड़ी कीजिएगा, ये अरिस्टॉटल पे दो दफा सवाल आया, मैं इसको देख लूं. जी सर, थैंक यू सर, आपका सवाल था. एग्जामिन मॉन्टेस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, व्हाई हैज ही बीन कॉल्ड अरिस्टॉटल ऑफ 18th सेंचुरी, डिस्कस. सर बड़ा आसान सा आइडिया है इसका. सवाल 2020 में आया था आई गेस, मुझे कंफर्म कीजिएगा सर. 2020 में आया था मेरे ख्याल में सवाल, 19 में आया था, समवेयर अराउंड दैट. 2020 में आया. ओ चैट फिर वो चलेगी दोबारा. अच्छा बस ठीक है, ना लिखिएगा जो उस चैट पर चली जाएगी सर. अच्छा, एग्जामिन मॉन्टेस थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स, पहले तो आपने उसकी थ्योरी को लिखना है. उसकी थ्योरी क्या है? यू विल राइट अराउंड फॉर 15 मार्क्स के लिए आपने उसकी थ्योरी को लिखना. व्हाई इज कॉल्ड अरिस्टॉटल ऑफ द 18th सेंचुरी. अच्छा आप जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो पॉइंट इसमें आपने मेन उठाने हैं साथ. अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अरिस्टॉटल की थ्योरी में उसकी टाइप्स ऑफ स्टेट पढ़ी थी. याद है किसी को? मुझे उसमें से बताएंगे मोनार्की जो है उसकी परवर्जन क्या है, परवर्टेड फॉर्म क्या है, टेरेनी. एग्जैक्टली मीर हमजा. फिर अरिस्टोक्रेसी की क्या है परवर्जन, ऑलिगार्की. गुड. और पॉलिटी की परवर्जन क्या है, डेमोक्रेसी. गुड. और ये पढ़ाने के बाद मैंने आपको एक जुमला लिखवाया था बिल्कुल लास्ट में, मुझे याद है मैंने कहा था कि नन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिमेन्स परमानेंट, ईच वन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर वन. याद है आपको?
रेवोल्यूशन, एग्जैक्टली उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगला सवाल, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है उसकी? द आइडियल वन मोनार्की, एंड वर्स्ट वन नो टायरनी। टायरनी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे याद है जी, मैंने बताया था आपको। सुनिएगा क्यों टायरनी, ये साथ आपके सवाल से रिलेट करूं। इसका मतलब है अगर एक बंदे के हाथ में पावर हो, इफ पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन अथॉरिटी एंड ही यूजेस इट फॉर जनरल इंटरेस्ट, इट इज द आइडियल थिंग। बट अरिस्टोटल कहता है प्रैक्टिकली दिस इज लीस्ट प्रैक्टिकेबल, बिकॉज मोस्टली व्हेन पावर गिवन टू वन पर्सन देन इट दैट वन पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग इट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, ही इज लाइकली टू अब्यूज पावर, एंड इफ ही अब्यूजेस पावर उससे बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई भी नहीं है। ऐसे ही कहा था मैंने, आई रिमेंबर आई सेड दिस थिंग, इट इज द वर्स्ट सिस्टम टायरनी बिकॉज ही कैन एंटायरली मिसयूज द पावर्स। तो इसका मतलब ये हुआ अरिस्टॉटल भी उसकी अपनी थ्योरी में टायरनी को, जिसके अंदर तमाम पावर्स एक बंदे के हाथ में है, सबसे ज्यादा अब्यूसिव गवर्नमेंट समझता। देयरफॉर ही ऑल्सो वॉन्ट्स द पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसकी आइडियल फॉर्म तो मोनार्की है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म जो है वो है पॉलिटी, वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द। यस एग्जैक्टली मीर हमजा, इसका मतलब ये हुआ अरिस्टॉटल जो है वो भी उसकी जो थी। अच्छा, उसने ऐसा क्यों कहा था मीर हमजा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट। क्यों कहा था उसने ऐसा? क्योंकि उस वक्त उसके जमाने में, अरिस्टॉटल के जमाने में, पावर जो थी, जब प्लेटो ने थ्योरी दी दैट ऑल पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ द फिलोसोफर किंग, ही इज द फिलोसोफर किंग, ही मस्ट बी हैविंग ऑल द पावर्स, तो इसको फियर था दैट ऑल द पावर्स इन वन हैंड आर लाइकली टू बी अब्यूज्ड। क्या मॉन्टेस्क का भी ऐसा ही ख्याल नहीं था? वॉज इट नॉट द सेम फैक्टर दैट मॉन्टेस्क हैज इन हिज माइंड? एग्जैक्टली, दिस इज हाउ आप रिलेट करेंगे ये दोनों को सॉल्व। डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? मैंने इसमें से कोई चीज खुद से नहीं बताई, आई जस्ट टोल्ड यू बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, उसी में से आपने डिवाइन करनी होती है, चीजें करनी होती। ओके ग्रेट, हेगल करना है जी। हेगल का आइडिया भी मॉन्टेस्क, सॉरी मार्क्स के अंदर जो डायलेक्टिक्स हमने पढ़े थे उसके अंदर मैंने बताया था। बेसिकली हेगल के अंदर आपने मार्क्स की जो डायलेक्टिक्स है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू स्टडी ऑन दैट। हेगेलियन आइडिया ऑफ स्पिरिट, और स्पिरिट से मतलब है दैट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आप मार्क्स का लेक्चर उठाइएगा, मुझे याद है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जो जहां पे मार्क्स इकोनॉमिक फाउंडेशन कहता है, उसका थीसिस का एंटी थीसिस, उसी को हेगल कहता है आइडिया एंड एंटी आइडिया। सो इन हेगल दिस इज इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू राइट हिज थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स। एक बुनियादी फर्क, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस इज दैट हिज आइडिया इज स्पिरिचुअल, बिकॉज आपको याद हो वो बाय प्रोफेशन कौन था हेगल, मैंने आपको शायद बताया था। व्हाट वाज हिज बैकग्राउंड? मुझे पानी तो पिला दें प्लीज। मैंने आपको बताया था जी, ही वाज प्रीस्ट, पादरी था। ये बताई थी बात आपको, आई रिमेंबर दैट ही वाज अ प्रीस्ट, पादरी था। हेगल की थ्योरी नहीं पढ़ी, लेकिन कार्ल मार्क्स की तो पढ़ी थी ना। कार्ल मार्क्स का लेक्चर निकालें जरा अपने पास, अगर आपके पास पेजेस पड़े हैं आप जरा निकालें, मार्क्स का लेक्चर निकालें, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप में से किसी के पास है कार्ल मार्क्स का, जहां पे डायलेक्टिक्स पढ़ा था, उठाइएगा जरा प्लीज। सुपरस्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहा साजिद, वो तो इकोनॉमिक फाउंडेशन में था। मैंने है
हेगल की जहां पे डायलेक्टिक्स लिखा है आप लोगों ने वहां पे निकालिएगा, वहां पे हेगल के बारे में मैंने बेसिक आइडिया बताया था, दोबारा बता देता हूं, सुनिएगा दोबारा, इसको मिटा दूं, ये सर्कल कैन रिमूव। ओके सुनिएगा प्लीज, हेगल चूंकि मार्क्स ने आइडिया लिया था हेगल से, और हेगल पादरी था, प्रीस्ट था, और ऑब्वियसली बात है प्रीस्ट है तो ही वुड बिलीव इन डिवाइन, ही वुड बिलीव इन रिलीजन एंड ऑल दैट। आसान है, अगर आपने मार्क्स पढ़ा तो भी आपको डिफरेंस भी आइडिया हो जाएगा दोनों में। हेगल ने कहा दैट जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इंसानी तारीख जो है, इट एक्चुअली फ्लोज, इट मूव्स इन अ डायलेक्टिकल फॉर्म। बेसिक आइडिया देखिएगा प्लीज, ह्यूमन हिस्ट्री मूव्स इन डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज डायलेक्टिक? डायलेक्ट का लफ्जी मतलब होता है बोली जुबान, जिसको हम कहते हैं। नाउ डायलेक्टिक इज लिटरली मीनिंग, उर्दू में तर्जुमा करते हैं मुकालमा, टॉक बिटवीन टू पीपल। लहजा कलफ कहते हैं हम, तो उसको डायलेक्ट को समझ लेते हैं, बट बेसिकली डायलेक्ट इज टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सॉरी एनी हो। सो डायलेक्टिक्स मीन्स, डायलेक्टिक मीन्स दो चीजों के दरमियान में जो टॉक। अच्छा, अगर आप देख प्लेटो अरिस्टोटल की जो डिबेट एंड डायलॉग, एग्जैक्टली जब अरिस्टोटल प्लेटो की किताबें थी रिपब्लिक वगैरह, वो भी डायलॉग फॉर्म में लिखी गई, उनको भी डायलेक्टिक्स कहा जाता है। पिछले दिन एक आर्टिकल मैंने शेयर किया था डायलेक्टिक्स के ऊपर, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया था डायलेक्टिक्स के ऊपर, हेगल के ऊपर भी और उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो वो पढ़िएगा जरूर प्लीज। हेगल के ऊपर क्रिटिसिज्म है, मार्क्स के ऊपर क्रिटिसिज्म है, जी जी फेसबुक पर शेयर किया था उसमान। अच्छा, डायलेक्टिक्स का आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि दो चीजें आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो उसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। दो चीजों का क्लैश, दो चीजों का इंटरेक्शन, इंटरप्ले, वो उसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। अच्छा, नाउ हेगल हु वाज अ प्रीस्ट, पादरी था, उसने कहा, ही सेड दैट गॉड हैज गिवन मैन rationality, God has created man with reason, with wisdom, and people use that wisdom, people use that wisdom to develop certain beliefs, certain ideas, certain norms. हम अपने rationality को, अपनी गॉड गिवन कैपेबिलिटीज को यूज करते हैं टू डेवलप सर्टन आइडिया। हेगल ने कहा, हेगल ने कहा दैट एक सोसाइटी के अंदर, इन अ सोसाइटी देयर इज ऑलवेज वन पर्टिकुलर आइडिया दैट डोमिनेट्स सोसाइटी। आइडिया क्या है? Idea is the belief, the common belief of the people. Belief about social life, belief about political life, belief of this world. इस दुनिया के बारे में, उसके बारे में एक common belief है, common vision है. This power to hold an idea is given by God. God gifted wisdom को इस्तेमाल करके लोग एक common belief रखते हैं। ये belief तो religious नहीं है, but belief is given by the God. God given belief है, God given idea. असल में God ने idea भी नहीं दिया, this is man's interpretation of the God's idea. इंसान क्या सोचता है उसके बारे में और वो एक particular idea develop कर लेता है। Hegel कहता है that human idea
लाइक ह्यूमन बींग्स इज इम्परफेक्ट, इट इज फुल ऑफ एरर्स, इट इज इम्परफेक्ट। मैं फिर रिपीट करूं, जो आइडिया है दैट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट पीपल हैव एट अ गिवन टाइम, हाउ दे डेवलप बिलीव बाय गॉड गिफ्टेड पावर्स, बट दिस आइडिया, दिस कॉमन बिलीव इज फ्रैक्चुअस, इट इज इम्परफेक्ट, इट इज सेल्फ कंट्रडिक्टरी। परफेक्शन नहीं होती। देखिए हम क्या मॉडर्न जमाने में हम नहीं कहते इंसान खता का पुतला है, अवर आइडिया कैन नेवर बी परफेक्ट, वी कैन नेवर बी परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, हमारे बिलीव्स हमारे आइडियाज कभी परफेक्शन में नहीं आ सकते, हम फरिश्ते नहीं होते, हम ऐसे कहते हैं सर। ओनली गॉड इज परफेक्ट, पीपल आर नॉट, एक इडियमेटिक फ्रेज भी है, टू एर इज ह्यूमंस, ऐसे ही इंसान को खता का पुतला कहा जाता है, उसके आइडियाज वो जितने भी अच्छे हो जाएं, दे रिमेन आइडियाज, दे आर नेवर परफेक्ट वंस। का हेगल कहता है दिस आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज इम्परफेक्ट एंड फुल ऑफ फॉल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, देन सर्टन पीपल विद इन अ सोसाइटी दे एक्चुअली वट दे डू इज they actually over the period of time, waqt guzarne ke saath saath, after decades and centuries, those people who disagree within that idea, who started criticizing that idea that this is imperfect, this is bad, there are problems in it and it needs reformation, they develop anti-idea. Anti-idea is actually a critique of an idea. Uski zid hai, uski opposite hai. Idea which is imperfect and that imperfection is highlighted by its critics who gradually grow in power and they develop an anti-school of thought. They become anti-idea. As a result of this clash between idea and anti-idea, dono beliefs bilkul opposite hain, they are poles apart, they are contradictory to each other, their clash results in a synthesis. Aapne synthesis padha hua, kya hota hai, what is synthesis? Yes, synthesis is जब दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं तो उसको हम synthesis कहते हैं, the product of two things, ऐसा ही होता है, photosynthesis। सर ये better वाला point अभी उठा रहा हूं इसके ऊपर, idea and anti-idea result into a synthesis, this synthesis is the good of the idea and anti-idea, इन दोनों की अच्छी चीजों को पॉजिटिविटीज को मिलाकर सिंथेसिस बनता है, सो सिंथेसिस इज ऑल्सो एन आइडिया बट इट इज बेटर देन द प्रीवियस आइडिया, जो प्रीवियस आइडिया था या एंटी आइडिया था उसकी रिफॉर्म्ड वर्जन है, इंप्रूव्ड वर्जन है, बट स्टिल इट इज बेटर बट इट इज स्टिल नॉट द परफेक्ट आइडिया, it is not the perfect spirit, it is still challenged over the period of time by anti idea, again the clash takes place, a new synthesis, a new idea is formed, again it is this new synthesis or idea is better than the previous one but it is still not perfect, so at every dialectic, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, गौर से जवाब दीजिएगा, मुझे पता चलेगा आपको समझ आइए कि नहीं, एवरी न्यू स्टेप ये क्या इंप्रूवमेंट ला रहे हैं या डिग्रेडेशन हो रही है,
Is it improving the idea or it is degrading it? Improvement. Every new thing is better than the old thing. जैसे आप नहीं कहते हर नई नस्ल आपकी नस्ल से बेहतर होती है, मतलब मैं तो यही समझता हूँ, पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं समझते. एवरी न्यू जनरेशन इज बेटर देन आर्स. दिस डायलेक्टिकल प्रोसेस कीप्स ऑन मूविंग, ये चलता रहेगा, पर इंप्रूवमेंट आती जाएगी इंप्रूवमेंट. दिस इज द इंफिनिट प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स. Idea clashes with anti-idea, Mustafa. Results in synthesis. Synthesis is a new idea. Phir iska anti-idea develop hota hai. Phir synthesis, which is again an idea. Phir anti-idea. It moves on. It's a never-ending process. Ye chalta rahega. Kahan tak chalta rahega? Ab wo priest hai, yaad rakhiyega. He's a priest. Wo kehta hai, this will end only when perfect idea, perfect belief is achieved. Capital I से idea, the spirit means the idea of the God. क्योंकि perfection खुदा के पास है सिर्फ, इंसान perfect नहीं हो सकते. So the point is, No, not at all. Yes. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मार्क से लिंक करूंगा. पहले मुझे, दिस इज एन इन्फिनिट प्रोसेस. दूसरी चीज प्लीज इंपॉर्टेंट, ये मार्च है टुवर्ड्स परफेक्शन, दैट आइडिया गिवन बाय द गॉड हिमसेल्फ. लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री मूव्स इन डायलेक्टिक्स, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन डायलेक्टिक्स. क्लैशेज होंगे, आइडिया होगा, आप अपने आपको परफेक्ट ना समझें, आपका एंटी आइडिया भी होगा, और क्लैश होके फिर रिफॉर्म्स आएंगी, फिर क्लैश, फिर रिफॉर्म्स. इट विल मूव ऑन एंड मूव एंड मूव ऑन. दो सवालों का जवाब दीजिएगा प्लीज. मार्क से डिफरेंस करना है, दो सवालों का जवाब दीजिएगा. क्या आइडिया मटेरियल आइडिया है या नॉन मटेरियल? इज इट मटेरियल थिंग और नॉन मटेरियल थिंग? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज नॉन मटेरियल. कार्ल मार्क्स के नजदीक थीसिस क्या था, मटेरियल या नॉन मटेरियल? पहला मेन डिफरेंस, मार्क्स के नजदीक तो मटेरियल है सारा कुछ, इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड ऑल दैट. पहला डिफरेंस. दूसरा, इसका डायलेक्टिक्स इज इट ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट और इज इट ब्रिंगिंग डिग्रेडेशन? इंप्रूवमेंट लाई जा रहा है. कार्ल मार्क्स के नजदीक एवरी न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, एवरी न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स मोर एक्सप्लॉयटेटिव. Every new mode of production, every new dialectics will result in degradation, result in more exploitation of the owners. यहां पे लेनिन की किताब है, कभी MCQs में आए तो याद रखिएगा, कैपिटलिज्म the highest form of imperialism. सबसे worst form of imperialism जो है यह modern capitalism. इससे पहले feudals भी थे, इससे पहले Asiatic society भी थी, कार्ल मार्क्स ने कहा, लेकिन ये सबसे वर्स्ट किस्म का कैपिटलिज्म जो है, ये सबसे वर्स्ट फॉर्म है. तारीख में हमेशा डिग्रेडेशन होती रही है उसके नजदीक. दूसरा डिफरेंस, तीसरा मेन डिफरेंस, कार्ल मार्क्स की डायलेक्टिक्स इंफिनिट है. ये कितनी डायलेक्टिक्स हैं, हाउ मेनी डायलेक्टिक्स आर देयर, या इंफिनिट है? चार हैं, इंफिनिट है, चार हैं. और हेगल के इनफिनिट, दिस इज अ बेसिक आइडिया जी, ये बेसिक हेगल का आइडिया है जी. यस समीर हमजा, फोर्थ में तो वो कहता हम रह रहे हैं, उसके नतीजे में रेवोल्यूशन आएगा, और बोल्शेविक ना कहिएगा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन शुरू में, फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. यस दैट्स ट्रू सर, इज इट क्लियर जी? रिजर्व्ड इट नहीं, साथ रिवर्स इट, सर प्लीज करेक्ट कीजिएगा, रिवर्स है ना? क्या सर, सर
मार्क्स हैज रिजर्व्ड इट, आई डोंट नो यहाँ पे रिजर्व का मतलब क्या जी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। रिवर्स का लफ्ज़ में आती है। अच्छा देखें, मार्क्स की थ्योरी का इसको, मार्क्स की थ्योरी को क्यों कहते हैं कि उसने इसको हो सकता है साथ, हो सकता है साथ आपको, लेकिन मार्क्स बेसिकली आइडिया ये है साथ, सॉरी आइडिया ये है कि देखें, बड़ा बेसिक पॉइंट है, सुनिएगा आराम से, विद एवरी न्यू स्टेप वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट। इसको रिवर्स कर दें साथ तो क्या हो जाएगा, मार्क्स वाला आइडिया, विद एवरी पॉजिटिव वर्ड डिग्रेडेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर सर? वो सर हेगल की बुक का नाम, हेगल की बुक का नाम ऐसे में नहीं है जिस वक्त, आई कांट गिव यू द नेम, बट आइडियल थ्योरी है उसकी, मुझे बुक का नाम नहीं, अगर किसी को आइडिया तो यहां पे लिखते हैं हेगल की बुक का नाम जिसके अंदर है, बट आई कैन शेयर विद यू द नेम। फाइजर ने सवाल पूछा था, मैं इसका जवाब दे दूं। सो दिस इज जी, उस पर बात करते हैं। अच्छा तो कहना क्या था, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद मुस्लिम थिंकर्स पे जाएं, मुस्लिम पे आपने करना है फराबी, फराबी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चले मुस्लिम में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर के नाम लिखें अपने पास, मवारदी, खल्दून, इकबाल, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। थैंक यू अमला। ओके, मुस्लिम थिंकर में से आप नाम लिखेंगे जी, सबसे इंपॉर्टेंट मवारदी, खल्दून, इकबाल, एडिशनली डू फराबी एंड गजाली। गजाली की थ्योरी आपने करनी है मज़हर लक की बुक से, मैंने नहीं करवाई हुई आपको, लेकिन मज़हर लक की किताब से पढ़ेंगे, आपको मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू वॉन्ट नीड माई थिंग, इट्स सो सिंपल एंड लॉजिकल, मज़हर लक की बुक में लिखा हुआ है उसको, मेरी बुक से कर लें, यहां से कर लें, एक ही बात है, अगर आपके पास मज़हर लक की किताब उससे कर लें, मेरी कैसे कर लें, मेरी किताब है तो मेरी किताब से कर लें, आसान है। गजाली एंड फराबी अमीर हमजा, ये सेकंड चॉइस करिएगा, जो आपको पहली चॉइस बता रहा हूं उनको आपने हर सूरत में करना है, सेकंड चॉइस में आप उसको भी कर लीजिएगा प्लीज। आप रिमशा ये नामुनासिब बात होगी अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे मैं आपको पेज नंबर भी बता दूं। आई गेस दिस विल बी टू मच ऑफ एन आस्किंग, कोई हिम्मत कर ले प्लीज। अच्छा कंटेंट में अमीर हमजा नहीं लिखा होगा, ये मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, आप कंटेंट में लिखिएगा इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, वहां पे मुझे हमने एग्जैक्ट नहीं आइडिया, मेरी किताब में सेम वर्डिंग है या नहीं है, हम नोट्स में छोड़ देख लीजिएगा, वैसे साफ में मैंने मज़हर लकी बुक शेयर की हुई है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है ना स्टेट का, उसके अंदर पॉइंट में उठाएंगे तो लिखा होगा। अच्छा ये तो वेस्टर्न और मुस्लिम थिंकर की बात होगी, जो उसके बाद वाला सेक्शन है उसके अंदर हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट किए हैं, अगर आपको याद हो स्टेट के ऊपर किया है हमने, जी जी रमशा मुझे आइडिया है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्टेट में मिल जाएगा आपको। अच्छा मैंने करा दिया दरीन नजफ उसमें से, वेस्टर्न थिंकर में से। अच्छा मैं आ रहा हूं साथ उसी के ऊपर आ रहा हूं बाद में, पेपर वन के सेक्शन टू में जब जाएंगे, और पेपर वन के सेक्शन टू में जब जाएंगे तो उसके अंदर हम करेंगे, आपने बेसिक जो डिस्कशन करनी है वो है स्टेट के एवोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद आपने करना है गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, खासकर जुडिशरी। थैंक यू साजिद फॉर शेयरिंग द पेज नंबर। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, खासकर जुडिशरी आपने लाजमी तैयार करनी है, लिबर्टी करना है, पब्लिक ओपिनियन करना है, सॉवरेनिटी की टाइप्स और एट्रीब्यूट्स करने हैं, सॉवरेनिटी के टाइप्स और एट्रीब्यूट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, फैशिज्म, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरेशन, यूनिटरी और कन्फेडरेशन के साथ कंपैरिजन, और लोकल गवर्नमेंट, ये आपने करने हैं। ये सारा सेकंड पार्ट मज़हर लक की बुक से भी है, मेरी किताब में भी है, मेरी किताब से करेंगे तो भी हो जाएगा, मज़हर लक से करेंगे तो भी हो जाएगा, जहां से आप करना चाहें। एक दो पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किए हुए, नहीं सारा नहीं हो गया मरियम, सारा नहीं है। आप अच्छा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेट,
देन आई सेड गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स, खासकर जुडिशरी वाला सेगमेंट, पब्लिक ओपिनियन, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री प्रेजेंशियल, फेडरेशन, यूनिटी, कन्फेडरेशन, पॉलिटिकल पार्टीज और फैशिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट। ये आपने हर सूरत में करने हैं, हर सूरत में सारे। उसके बाद एक दो टॉपिक और भी कर सकते हैं आप, जैसे प्रेशर ग्रुप्स और डेमोक्रेसी। प्रेशर ग्रुप्स, डेमोक्रेसी जो है, ये भी आप देख लें, इनको सेकंड चॉइस के तौर पर देख लें। प्रेशर ग्रुप पे नोट आता है, आप जब पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप को तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, आसान है वो, इतनी मुश्किल नहीं है। डेमोक्रेसी भी आसान सी होती है, उतना मुश्किल नहीं है। ये मेन चीज देख लिया, ये हो गया पेपर वन। अब मैं पेपर टू पे आ रहा हूं, पेपर टू पे आ रहा हूं। पेपर वन में ये बेसिकली हो गए सर, ये दो मैंने नहीं करवाए हुए, लास्ट टू मैंने नहीं करवाए एग्जैक्टली। प्रेशर ग्रुप में, प्रेशर ग्रुप पे यूजी नोट आता है, और प्रेशर ग्रुप, और दूसरा मैंने कहा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी कराने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। आप में से जिसको सिविल मिलिट्री इलेक्शन मैंने करवाया था कंपल्सरी में, जिस सेक्शन को कराया था, तो मैंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया होगा उसके अंदर, उसकी फॉर्मेशन की बात की होगी, जिनको मैंने करवाया था कंपल्सरी में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, डेमोक्रेसी डायमेंशन करवाई थी। जिनको नहीं करवाया, नहीं करवाया, लेकिन जिनको करवाया उनकी बात कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट सिविल मिलिट्री पे नहीं जाता होता जब मैं लेक्चर देता हूं। आई स्टार्ट विद डिफाइनिंग लिबर्टी, डेमोक्रेसी, उसको लिबर्टी से करके लिंक करके फिर जाते हैं। एनी हो, उमर, दैट्स नॉट ट्रू, यू हैव टू राइट करेक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। तो पेपर टू के अंदर जब जाते हैं, अच्छा पेपर टू के अंदर, पेपर टू के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, अब जरा गौर सुनिएगा प्लीज। पेपर टू में आपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल से करना है, सुनिएगा प्लीज। यूके, यूएस, फ्रांस, आपने फोकस करना है इनके ऊपर। यूके, यूएस, फ्रांस। अच्छा, जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उनकी एग्जेक्टिव्स और लेजिस्लेचर्स वो आपने करनी है। सुन ले, मैं इनको बता दूं क्या करना है आपने। यूके, यूएस, फ्रांस की लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव सारी करनी है, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज करनी है यूके और यूएस की, और उसको पॉलिटिकल पार्टीज को थियोरेटिकली लिंक करना है, जो हमने सेक्शन पेपर वन के अंदर पढ़ी थी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आपको याद हो, कंजर्वेटिव, लिबरल, फंक्शंस क्या होते हैं उनके, राइट विंग, लेफ्ट विंग की डिबेट, उसके साथ लिंक करना है। और लाजमी लिखना है उन पार्टीज को लिखने से पहले, पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर जाना है यूके, यूएस के ऊपर। वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ देयर ओरिजिन एंड मोस्टली अबाउट देयर डिफरेंसेस, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में फर्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है, और मैनिफेस्टो का या बेसिक व्यू का क्या फर्क है, उसमें ज्यादा हाईलाइट करना यूके और यूएस में। फ्रांस से आपने पार्टी सिस्टम नहीं करना, फ्रांस से आपने करना है जुडिशियल स्ट्रक्चर। यस सर, जुडिशरी का रोल साथ कम, जुडिशियल स्ट्रक्चर पे ज्यादा सवाल आता है। रोल भी है बट उसका लिंक जुडिशियल स्ट्रक्चर से बनेगा साथ साथ। सर मैंने एक उसकी आउटलाइन बनाई हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। वैसे बड़ा आसान काम है साथ वहां पे। मैं अगर मुझे आप सिर्फ दो मिनट दें, मैं आपको यहां स्ट्रक्चर उसका बेसिक आइडिया देता हूं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब गौर से दीजिएगा प्लीज। फेडरेशन में और यूनिटी में जुडिशरी का डिफरेंस होता है कि नहीं होता, आंसर दीजिएगा यस सर नो।
यस इज द करेक्ट आंसर। नो वालों को पॉलिटिकल साइंस सही समझ नहीं आई। मुझे याद है मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, फेडरेशन क्या होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट और फिर यूनिट गवर्नमेंट्स। ऐसे कहा था, एक फेडरल कोर्ट, फेडरल गवर्नमेंट होती है, जुडिशियल प्रोविंशियल या उस पे होते। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यही मतलब है। प्लीज करेक्ट कीजिएगा मैं अगर गलत कह रहा हूं। यूनिट गवर्नमेंट का मतलब है यूनिट एग्जेक्टिव, यूनिट लेजिस्लेचर, यूनिट जुडिशरी, यही मतलब है। पाकिस्तान में प्रोविंशियल जुडिशरी होती है, डू वी हैव प्रोविंशियल जुडिशरी? ये बात मैंने आपको बताई थी, ये हमने डिस्कस किया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो याद है। गुड गुड, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर जहां पे यूनिट्स की गवर्नमेंट ही ना हो, जहां यूनिट की गवर्नमेंट ही ना हो, जी यूएस में होती है साथ, मुझे याद है मैंने बताया था आपको, अमेरिका में मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा अमेरिका में फेडरल जुडिशरी अलग है, स्टेट जुडिशरी अलग है, पाकिस्तान फेडरेशन होने के बावजूद हमारी प्रोविंशियल जुडिशरी नहीं है, ये बात हमने की थी। यस एग्जैक्टली, उसको स्टेट जुडिशरी कहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगला सवाल आपसे, जहां पे यूनिट गवर्नमेंट ही ना हो, या एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे ही ना यूनिट गवर्नमेंट को, तो क्या यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही जुडिशियल स्ट्रक्चर नहीं होगा? Will it not be one judicial structure for entire state? पहला पॉइंट, फ्रांस इज यूनिटरी, फ्रांस इज यूनिटरी, एंड फ्रांस इज यूनिटरी, ये एग्जाम्पल मैंने लिखवाई हुई आपको, फ्रांस यूनिटरी, तो इसका मतलब फ्रांस के अंदर जो सेंट्रल जुडिशरी है, दैट्स द सेम स्ट्रक्चर ओवर हियर। पहला पॉइंट, ये याद रहेगी चीज। अच्छा, एक दूसरी चीज भी है, फेडरेशन में लोकल गवर्नमेंट होती है तीसरा टीयर ऑफ गवर्नमेंट, इन फेडरेशंस लोकल गवर्नमेंट इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट थर्ड टीयर होगा या सेकंड टीयर होगा, कौन से लेवल पे आएगा? सेकंड पे, पहले पे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटी में और सेकंड पे लोकल गवर्नमेंट हो जाएगी। ये फेडरेशन और यूनिटी का इस्तेमाल करना सीखे ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। अच्छा, कमिंग बैक टू जुडिशरी, फ्रांस के अंदर एक बात, पहला फीचर तो ये आ गया कि वहां पे सिंगल स्ट्रक्चर है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नेशनल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक एक यूनिफाइड सेंट्रली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है। दो किस्म की कोर्ट्स हैं, एक है ऑर्डिनरी कोर्ट्स और दूसरी कहलाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ऑर्डिनरी कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स पर्टेन टू गवर्नमेंट के लिए अलग से कोर्ट सिस्टम है, पैरेलल। ऑर्डिनरी इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, उनके लिए अलग कोर्ट सिस्टम है। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक होगा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? वो क्या है, नाम पढ़ लीजिएगा, आसान है, बट ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के लिए अलग कोर्ट हैं और बाकियों के लिए अलग कोर्ट हैं। यह पढ़ाया हुआ है मैंने आपको।
आप बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फ्रांस? नाइन होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? वन थर्ड आर अपॉइंटेड बाय 333 ऑफ द रहमान, एग्जैक्टली वन थ्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, देन वन बाय थ्री, अभी आप 1.3 चले मान लेते हैं, वन बाय थ्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली, एंड देन वन बाय थ्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट। तो ये बेसिकली आपने स्ट्रक्चर इस तरह से लिखे हैं, दिस इज हाउ यू विल राइट इट, ऑर्डिनरी कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तीन पॉइंट में रखिएगा, एक यूनिटी स्टेट है उस सेंस में, और बाकी ये दो पहले स्ट्रक्चर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑर्डिनरी कोर्ट्स। यस अली एग्रीड टू, यस एग्रीड, आंसर इज यस। तो एनी हो जी, अच्छा ये तीन कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी करिएगा जी। इन पे अगर कंपैरिजन का सवाल है तो कैसे करना है? पहले किसी ने, मैंने कंपैरिजन नहीं बताया था जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन कैसे करना है, किसी ने मुझे शुरू में कहा था कि हमने कंपैरिजन नहीं बताया था। आसान है यार, वैसे ही करनी है जैसे हाफ्स और लॉग को किया था, हाफ्स लॉग रूसों को कंपेयर करने का तरीका बताया था, वैसे ही यहां भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यूएस प्रेसिडेंट वर्सेस यूके पीएम, अगर आज कंपेरिजन करना ठीक है, आप हेडिंग देंगे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस, नीचे रखें यूएस प्रेसिडेंट जो है उसकी लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे यूके प्राइम मिनिस्टर। यूएस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? डायरेक्ट? अमीर हमजा आर यू श्योर? शुड वी कॉल हिज इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस? अमीर हमजा उसके बारे में कहते हैं He is indirectly elected, but he is the direct choice of the people. Direct choice जरूर है, but election का method indirect है। और UK में Prime Minister उसको electoral college elect करता है। यहां पे UK Prime Minister को कौन elect करता है? Who elects the UK Prime Minister? Oof, hereditary? UK Prime Minister hereditary? Parliament में कौन करता है? Upper House, Lower House? लोअर हाउस। यूके में प्राइम मिनिस्टर हेरिटी नहीं होता, लोअर हाउस करते हैं। तो कंट्रास्ट लिख देंगे, फिर नीचे एडिंग देते हैं क्वालिफिकेशंस, नीचे देते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, और नीचे उसी तरीके से कंपेयर कर लेंगे, कर लेंगे कंपेयर। हेडिंग देंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, नीचे यूके प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, प्रेसिडेंट क्या कहता है, दिस इज हाउ यू विल कंपेयर। किसी में भी कंपेरिजन आ जाए आप ऐसे करेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में आपने उस पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। यू मस्ट मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट सिस्टम, दैट पॉलिटिकल सिस्टम। जिनके पास मेरी किताब है उनको पता होगा फ्लो चार्ट डायग्राम, जिनके पास फ्लो चार्ट डायग्राम जो है, जिनके पास मेरी किताब है उसके अंदर बने हुए हैं, ऐसा ही है हर पॉलिटिकल सिस्टम के साथ बने हुआ। जिनके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, आप गूगल में जाएं, लिखें यूके पॉलिटिकल सिस्टम, आपको गूगल इमेजेस में जाएंगे, मैंने गूगल इमेजेस से ही उठा के डाला हुआ है, मैंने खुद से कोई क्रिएशन नहीं की वहां पर जाकर, मेरी ड्राइंग वैसे ही बुरी है, तो आप उसी में से उठाकर ले लीजिएगा प्लीज। आप फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम हड़े गूगल इमेजेस में जाएं, अच्छा सा पॉलिटिकल सिस्टम उठाएं जिसमें आपको नेशनल असेंबली नजर आ रही हो, प्रेसिडेंट भी नजर आ रहा हो, गवर्नमेंट भी नजर आ रही हो, आप उसको उठा के, तो स्ट्रक्चर लाजमी बनाना है आपने। और उस स्ट्रक्चर बनाते हुए जिस इदारे पे सवाल आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लोअर हाउस पे सवाल आया हुआ है, उसको बोल्ड कर दें ताकि आप बता सकें उसका रोल कहां पे है, वो फिट कहां पे होता है। इज इट क्लियर? आपसे गूगल करना है
अगर आपके पास गूगल वो हर पोलिटिकल सिस्टम का इमेज नहीं है, उसका स्ट्रक्चर नहीं है आपको पता, तो गूगल इमेज से जाके करना। जिनके पास मेरी किताब है वो तो पढ़ा हुआ जवेरिया, कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है लेकिन उसमें वही इदारे लिखे होंगे जो हमारे कोर्स में है। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप गूगल से जाके देख सकते हैं, जो आसान लगे वो कर लें, बट करें जरूर, बनाएं जरूर। दिस विल बी मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? ना ही कर दें, पता तो चले आप सुन रहे हैं, पेपर डिले हो जाएगा। चलो इस सवाल का मैं लेंगे। ओके गुड, अच्छा जरा, जहां पे 1000 बच्चा देगा उसमें से 100 स्टूडेंट एक जैसे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, 900 तो डिफरेंट होंगे ना। अच्छा तमाम पूरे सिस्टम पे ऐसे ही करना है आपने। अच्छा अच्छा साथ इस सवाल पर आ रहा हूं, एक मिनट और कर लूं। इस पेपर में, पेपर टू के अंदर दो फायदा डिपेंडिंग अपन दो या तीन एग्जामिनर होते हैं। एनी कमिंग बैक, पेपर टू में जो सेक्शन टू है उसमें पूरा फोकस करना है पाकिस्तान के ऊपर, फोकस ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है आपने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अल्लामा इकबाल सैयद जिन्ना को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, अमेंडमेंट, पेपर टू सेक्शन लास्ट जो भी है। अच्छा उसमें चूंकि डेवलपिंग स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, फ्रांस सॉरी टर्की है, इंडिया है, चाइना है। अच्छा अगर मैं आपकी जगह पे हूं, आई वुड प्रेफर क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन देन ऑन पाकिस्तान। आई वुड प्रेफर कि अगर सवाल फ्रांस टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए, आई वुड प्रेफर क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन देन ऑन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अगर आपको आते हैं तो प्रेफर उस पर कीजिएगा। क्यों? रीजन बताता हूं। पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन कैन बिकम कंट्रोवर्शियल। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से सवाल आते हो तो वो प्रेफर करें, पाकिस्तान पॉलिटिक्स पे कम से कम क्वेश्चन कीजिएगा। ये आपको बात समझ आ रही है मेरी? लेकिन मोस्टली सवाल होंगे पाकिस्तान से रिलेटेड, मोस्टली क्वेश्चन विल बी अबाउट पाकिस्तान। सो अगर आपको दूसरे सवाल आते हैं उनको प्रेफर करें, पाकिस्तान को तैयार आपने सारा करना है ताकि अगर और ऑप्शन आए तो ठीक, ना आए तो पाकिस्तान से कर सकें। बट कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल उठाएंगे उसके अंदर नंबर आने के चांसेस ज्यादा हैं। जरा बताइएगा जी उसने क्या किया था, 156 वाले बच्चे ने। जी मुस्तफा, यस वी डिड। सो मेरी चाय बड़ी कीजिए। अच्छा जी मेरी है बात, ठीक हो गया, ठीक है। सो अच्छा एक सवाल है जी, कंक्लूजन में डायग्राम बना दें सिर्फ? नहीं जी, सिर्फ डायग्राम नहीं बनानी है आपने, यू वॉन्ट नीड टू डू दैट, क्योंकि आप डायग्राम जो भी बनाएंगे डायग्राम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। कंक्लूजन में आप डायग्राम बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद भी बना सकते हैं, कंक्लूजन के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज उसको सिर्फ डायग्राम नहीं बनानी, उसको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन करना है ब्रीफली शॉर्ट से। डायग्राम से मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है जी। काफी है अमीर हमजा,
हैं तो हमारे कोर्स में मलाशिया और ईरान भी, बट मलाशिया और ईरान पे एमसीक्यूज तैयार कर लीजिएगा एज सच। कभी कभी ईरान पे आ जाता है आईसीए के ऊपर या गार्डियनशिप काउंसिल के ऊपर नोट वगैरह आ जाता है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा तैयार नहीं करें, उसमें से एमसीक्यूज तैयार कर लें। अब आते हैं 7 के सवाल के ऊपर। द अमेरिकन सेनेट इज लाइक द सासर इन विच द बॉइलिंग टी ऑफ द हाउस इज कूल्ड, एलसीडेट एंड मेक कंपेरिजन विद द सेनेट ऑफ पाकिस्तान रोल ऑफ विदो। अच्छा, सात जो पहला सवाल है आपका वो बेसिकली ये है कि अमेरिका में हाउस जो है वो बेसिकली पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है और उसकी टर्म 2 साल होती है। अमेरिका में सेनेट की टर्म 6 साल है और वो रिप्रेजेंट करता है इक्वल सीट्स देते हैं स्टेट को, इक्वल सीट है स्टेट के पास। सेनेट लोअर हाउस जो चाहे पास कर ले, लेकिन सेनेट के अंदर कमेटी सिस्टम है, सेनेट उसको प्रोलॉन्ग डिबेट्स करते हैं। सेनेट चूंकि अमेरिका में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और अमेरिका ऐसी फेडरेशन है जिसमें स्टेट्स आर टू पावरफुल, तो बॉइलिंग सासर इन विच द वॉलंटी ऑफ द हाउस स्कूल मींस हाउस कैन बिकम इमोशनल, इट कैन टेक डिसीजंस एब्रप्टली बेस्ड ऑन पॉपुलर सेंटीमेंट्स, लेकिन जो उनका अपर हाउस है वो चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी पावर्स ऐसी हैं, उसके फंक्शंस ऐसे हैं दैट उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है साथ कि इट हैज टू डेलिब्रेट एंड डिबेट एंड कम अप विद अ डिसीजन। सीनियर पॉलिटिशियंस एग्जैक्टली स्टेट रिप्रेजेंटेशंस इस सेंस में बात करनी है। और कंपेरिजन विद पाकिस्तानी सेनेट सेम एब्सोल्युटली सेम, फर्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ सेनेट चूंकि पावरलेस है और हमारे यहाँ फेडरेशन में प्रोविंसेस उतने स्ट्रांग नहीं है तो सेनेट की पावर उस तरह से नहीं है। आजकल पाकिस्तानी मीडिया में सेनेट बड़ा पावरफुल हुआ है, वैसे है नहीं। क्वेश्चन आया जी, पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी करंट अफेयर्स की तरह इंट्रो एंड कंक्लूजन करना है? द आंसर इज यस, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, लेकिन ऑब्वियसली दरमियान में फर्क होता है, हर सेक्शन के क्या पैटर्न्स हैं, क्या चीजें डालनी है, मैंने आपको बताई हुई है सारी। ओके, दूसरा था रोल ऑफ मिलिट्री, साथ उसकी बात कर रहे थे, हमें टर्की के अंदर मिलिट्री के रोल की बात कर रहे थे। अच्छा, टर्की के अंदर रोल ऑफ मिलिट्री पे आपने 2 मेन पॉइंट लिखने हैं, अपने पास नोट करें, लास्ट पॉइंट है, 2 मेन पॉइंट लिखने हैं आपने टर्की के अंदर। 1, द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स जिसमें मार्शल लॉज लगते रहे, कौन कौन से ईयर में मार्शल लॉज लगे, यू हैव टू सी अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इट, मार्शल लॉज की हिस्ट्री, डेट कब सिंस कमाल अतातुर्क 1920 से ऑनवर्ड्स। सेकंड, व्हाई मिलिट्री यूज्ड टू इंटरवीन, हाउ मिलिट्री यूज्ड टू इंटरवीन, व्हाई मिलिट्री यूज्ड टू इंटरवीन, 2 मेन पॉइंट लिखेंगे, 2 मेन सेक्शन। सिमिलर पाकिस्तान की तरह का हाल है, वहां भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती थी, यहां भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती थी, वहां भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते थे, यहां भी पार्लियामेंट के अंदर अयूब खान साहब के जमाने में बैठे थे। सो दोनों में हाउ एंड व्हाई, ये 2 मेन पॉइंट लिखेंगे सॉर्ट ऑफ, लेकिन ये फर्क जरूर देखिएगा, टर्की के अंदर मिलिट्री का रोल ग्रेजुअली कम हुआ है, इट हैज सिग्निफिकेंटली बीन रिड्यूस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन टर्किश मिलिट्री की और फ्रांस की जुडिशरी की आउटलाइंस मेरे पास पड़ी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यू कैन सी दैट टू। एनी हो जी, थैंक यू सो मच। आई गेस मिनिमम, अगर आपके पॉलिटिकल साइंस में मिनिमम अगर आपने थोड़ा बेहतर पढ़ा है, नॉर्मल और बेहतर पढ़ा है, तो एटलीस्ट 130 आने चाहिए आपके, 130 से नीचे आपके मार्क्स कम है। एमसीक्यूज के लिए सोर्स मेरा, मैंने मेरे ख्याल में आपको बुक दी हुई नहीं है, कोई रिकमेंड नहीं की हुई लिंक मेरा, डिडंट आई गिव यू सम लिंक मेरा, आप में से कोई एक मुझे कर दे, मैं शेयर कर दूंगा, बल्कि नहीं, मैं मैम राजिया को दूंगा, वो आपके साथ लिंक शेयर कर देंगी। करंट अफेयर्स का भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, अब मैं पॉलिटिकल साइंस के भी उनको कहूंगा, वो शेयर कर लेंगे जी। ऑनलाइन की बात ही कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन ही शेयर करूंगा आपके साथ लिंक, आप उसको करो। ओके, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीएसएस, और जब रिजल्ट आएगा तो जरूर बताइएगा प्लीज। थैंक यू मुस्तफा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बी सेफ, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।